मध्य प्रदेश में बुधवार को विधानसभा चुनाव है। इस दिन अपने सभी काम छोड़कर सबसे पहले वोट देना जरूरी है। युवा मतदाता, महिलाएं व बुजुर्ग, हर कोई देश के विकास में भागीदार बने। कई सालों तक सतत संघर्ष के बाद हमारे देश को आजादी मिली और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसका महत्व हमें समझना होगा। लोकतंत्र आजाद देश का सूचक है। किसी भी तरह का प्रलोभन या दबाव न मानते हुए देश के विकास के लिए भागीदार बने, यही हमारा कर्तव्य है। इंदौर स्वच्छता में नंबर वन बना है, अब हमें वोट देने में भी नंबर वन बनना है। इसीलिए आप सभी अपने घरों से निकलकर वोट डालने जरूर जाएं। ये हमारी नहीं, सभी की अपील है। भाइयों, बहनों, कल मतदान है और अब हम सबको सोचकर, विचार कर और सोच समझ कर एक अपनी एक अच्छी पार्टी चुनना है, जो हम लोग को सबको बराबरी से वोट डालकर चुनना है। देखिए मैडम, वोट तो आम आदमी का अधिकार है, उसे अपने मत का प्रयोग ज़रूरी रूप में करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि दो कैंडिडेट जब प्रत्याशी खड़े होते हैं तो उसमें अच्छा कौन है, उसमें क्या क्वालिटी है, देख करके उसको मत का प्रयोग अपना करना चाहिए। ये सबसे पहले तो मतदान हमारा सर्वप्रथम अधिकार है। हमारे द्वारा चुना गया आदमी ही शासन करे, ये हमारी वो रहती, क्योंकि प्राथमिकता ये होती है कि हम यदि अपने मतों का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते तो हो सकता है कि कोई गलत आदमी चुना जाए। वोट देना सबसे पहले संविधान के अनुसार, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है, वो हमें जरूर देना चाहिए। अब तो सरकार ने हमारी बड़ी अच्छी सुविधा की है कि जो जो कैंडिडेट है हमारे अच्छे बुरे, उसके साथ में नोटा का भी प्रयोग है कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट या उसकी योग्यता पसंद नहीं आ रही तो आप नोटा भी कर सकते हैं। और वोट देने का मेरे हिसाब से अधिकार होना चाहिए कि जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ हो, हमारे बीच में रहता हो, जो हमारी परेशानी समझ सके, हमें उसे वोट देना चाहिए जो हमारी परेशानी को आगे ले जाकर रखे और उसमें इम्प्रूव करे। वोट देना तो बहुत ज़रूरी है। आने वाली सरकार को हम लोगों को ही चुनना है, जिससे हमारे शहर का, हमारे देश का विकास अच्छा हो। ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है और हम उसी प्रत्याशी को चुनेंगे और उसी मुख्यमंत्री को चुनेंगे जो हमारे देश के लिए सोचे, हमारे लिए सोचे, हमारे परिवार के लिए सोचे। सबसे पहले डिपेंड करता है कि अपने को जो प्रॉपर तरीके से इस देश को, प्रदेश को चलाए और अच्छे से अच्छा इस प्रदेश को उठाए, आज भविष्य के लिए सोचे, हमारे लिए सोचे, हमारे इंदौर शहर के लिए सोचे। जो आज की तारीख में इंदौर नंबर वन है, हम चाहेंगे इंडिया में, तो ठीक है, इंडिया के अलावा वर्ल्ड में इंदौर का नाम सबसे आगे, इंदौर रहेगा नंबर वन, आगे भी रहना चाहिए। वोट देना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी सरकार बनती है। सरकार जो अच्छा शासन दे सके हमको, उसको चुनना चाहिए जो लोगों के काम कर सके। किसी गुंडा तत्व को कभी वोट देना नहीं चाहिए। 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान है, विधानसभा के चुनाव है। आप सब अपने घरों से निकलिए, किसी को भी मतदान करें पर मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट, एक मत बहुत बहुमूल्य है और आने वाली सरकार को बदल सकता है। हमें इस सरकार को रखना है, हमें अगली सरकार बनाना है किसी और की, ये सब आपके और हमारे हाथ में है। लेकिन एक अच्छी सरकार चुनना है, मजबूत सरकार चुनना है और जनता की सरकार चुनना है। और बहनों, कल मतदान का दिन है, आप अपने परिवार सहित, अपने दोस्तों सहित, अपने मित्रों सहित मतदान जरूर करिए। आपका एक बहुमूल्य वोट सरकार बना सकता है। अब सरकार कौन सी चुनना है ये आप पर निर्भर करता है।